गुड मॉर्निंग पीपल, मैं हूँ शैन वर्क एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस, कल आपने देखा था, कल रात को बहुत मैं थक चुका था। तो ये दिन भर की जर्नी थी, लातविया से फिनलैंड आना, फिर चेक इन, फिर इमिग्रेशन, फिर हॉस्टल ढूंढना, फिर ट्रेन लेना, ट्रैम लेना, तो मैं बहुत थक चुका था गाइस। तो आज सुबह उठते ही मैं रेडी हो चुका हूँ, मैंने शावर ले लिया है। तो चलिए, इसके पहले मैं जाके आपको हेलसिंकी दिखाऊँ, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, क्यों ना मैंने सोचा कि एक टूर दे दिया जाए आपको हॉस्टल का। गाइस, इस हॉस्टल का नाम मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इस हॉस्टल का नाम है चीप स्लीप हॉस्टल। पर नाइट या पर डे की जो यहाँ कॉस्ट है वो है लगभग 20 to 23 यूरो। अब मैं आपको इस हॉस्टल की पूरी टूर दे देता हूँ। गाइस, इस हॉस्टल में शावर है मेंस के लिए, तो यह है शावर, कुछ ऐसा लगता है। तो इस शावर में आपको यहाँ पे बॉडी सोप दिया गया है, ये आपका जेट स्प्रे, ऐसा कुछ सेक्शन बना होता है, मैं आपको दिखा दूँ मैंने सोचा। चलिए, और पूरा टूर मैं आपको दूंगा। टावल लेकिन आपको खुद लेना होता है, एक टावल ये मैंने लिया था, इसकी जो कीमत है वो है 4.5 यूरो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी टूर देता हूँ इस हॉस्टल का। तो चलिए मैं आपको थोड़ा टूर दे दूँ इस हॉस्टल का, कैसा हॉस्टल है, चलिए इसका रिव्यू करते हैं। तो ये है मेरे रूम की एंट्री, हर एक फ्लोर पर अलग अलग सेक्शन है, आप यहाँ देख सकते हैं 201, 204, 204 है। और यहाँ पर आपको ऐसा की लगाना होगा और डोर खोल के, ये है एंट्री एरिया, यहाँ पे मैप दिया गया है, लोकल मैप, यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स हैं। अब यहाँ से एंट्री है, तो एंट्री करते ही गाइस आप देख सकते हैं यहाँ गेमिंग सेक्शन बनाया है इन्होंने। तो यहाँ है कुछ गेम्स, ये है कुछ गेम्स यहाँ भी, और ये भी है कुछ गेम्स, और ये है वेंडिंग मशीन जहाँ पे आप चॉकलेट्स, वाटर बॉटल, सोडा ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं स्नीकर की प्राइस क्या है। मास यहाँ पे है 1.5 यूरो, सो लगभग 120 रुपये मास है। मूँगफली 100 ग्राम पीनट्स, 100 ग्राम पीनट्स है 2.5 यूरो, यानी कि लगभग 200 रुपये। यही सब ये कोई गेम है यहाँ पे, जैसे कि हमारे कंपनीज में होता है, मुंबई में, दिल्ली में, इंडिया में। और यहाँ देखिए, यह सिटिंग एरिया है, यहाँ पे लोग बैठते हैं, अपना काम करते हैं। यहाँ कुछ फ्रिज है गाइस, जहाँ आप अपने सामान रख सकते हैं, यहाँ है टोस्टर। इस हॉस्टल में ऑलमोस्ट एवरीथिंग, सब कुछ अवेलेबल है। और ये है गाइस किचन एरिया, तो यहाँ खाने के बाद यहाँ पे प्लेट्स है, कप्स है, ये देखिए प्लेट्स भी दिया गया है, कप्स भी दिया गया है। ये हीटर है जहाँ आप खाना बना सकते हैं, और यहाँ पे ओवन है, जहाँ पे मैंने कल रात को देखा था लोग पिज़्ज़ा बना रहे थे यहाँ पे। और ये है किचन एरिया, यहाँ बड़े आसानी से आप अपना खाना बना सकते हैं, यहाँ बैठ के खा भी सकते हैं। तो गाइस, काफ़ी अच्छा हॉस्टल है। सो गाइस, फाइनली मैं अपने हॉस्टल से बाहर आ चुका हूँ। आज है फर्स्ट डे हेलसिंकी, जो कि है कैपिटल फिनलैंड की। पिछले व्लॉग में मैंने आपको डिटेल दे दिया था फिनलैंड के बारे में। गाइस, टेम्परेचर नॉर्मल है, 11 डिग्री है, बट हवा काफ़ी चल रही है। प्रॉब्लम ये हुआ गाइस कि मेरा जो चार्जर, जो कनेक्टर था, जैसा आपको पता है इंडिया में जो चार्जर होता है वो यहाँ यूज़फुल नहीं होता है, एक इंटरनेशनल चार्जर आपके पास होना चाहिए, वो मैं अपने बैग में ही भूल गया था। तो अपनी फ़ोन चार्ज नहीं कर पाए, इसलिए वीडियो भी एडिट नहीं कर पा रहा हूँ मैं अब तक। तो फर्स्ट चैलेंज ये है, सिटी एक्सप्लोर करने से पहले राइट नाउ मैं भी चल के जाऊँगा एक मॉल की तरफ। उम्मीद करता हूँ वहाँ मॉल में USB कनेक्टर चार्जर, चार्जिंग पॉइंट मुझे मिल जाए, ताकि मैं पहले फ़ोन चार्ज करूँ, फिर हम देखेंगे सिम कार्ड लेना हो तो सिम कार्ड लेंगे, या अगर वाईफाई फ्री में मिले मॉल में तो हम वाईफाई भी यूज़ कर सकते हैं। एक बात और मुझे पता लगानी थी, लोग हमेशा कहते हैं कि फिनलैंड में हर जगह फ्री वाईफाई मिलता है, तो चलिए आज वो भी टेस्ट करते हैं कि हमारे पास फ्री वाईफाई है या नहीं। मैं पहले मॉल में जाता हूँ, कुछ खा लेता होगा इस, क्योंकि हॉस्टल में किचन एरिया में काफ़ी भीड़ भाड़ थी, तो मैं कुछ बना भी नहीं पाया, ना ही मैंने कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे थे। तो मैं अभी मॉल में जाता हूँ और वहाँ आप जाके आपको अपडेट देते हैं। तो गाइस, चलते चलते फिलहाल 500 मीटर्स की वॉक के बाद ये मॉल मिला है। देखिए गाइस, कितना ब्यूटीफुल मॉल इन्होंने बनाया, ब्राइट सनलाइट है आज नसीब से, बहुत ही भाग्यशाली होगी सनलाइट मिला, नहीं तो फिनलैंड में हमेशा कोल्ड रहती है। चलिए स्ट्रीट्स वॉक करते हैं, बहुत अच्छी बात है जब आप इस वॉक करते हैं तो लोग अपने आप ही गाड़ी रुका देते हैं। वाह,
क्या नजारा है गाइस, आई होप आप रिलेट कर सकते होंगे इस फीलिंग को। तो चलिए मॉल के अंदर चलते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, मुझे मॉल के अंदर जाके सबसे पहले चार्जिंग स्लॉट ढूंढना है और उसके बाद गाइस मुझे कुछ खाने पीने की चीज़ें लेनी। आपको बैक व्यू दिखाता हूँ। तो ये है मॉल का एंट्री। मॉल का नाम है मॉल ऑफ ट्रिपला। चलिए मॉल के अंदर चलते हैं। सुबह का वक्त है, 11 बज चुके हैं और इतना ब्यूटीफुल मॉल, ये देखिए यहाँ के फिनलैंड के मॉल्स ऐसे होते हैं। सबसे पहले मैं ढूंढता हूँ मैं कहाँ फ़ोन चार्ज कर सकूँ, अपना केबल मैं निकाल लूँ। गाइस ये बात आप याद रखना, जब आप आते हैं फिनलैंड में, मैंने अपना चार्जर केबल निकाल लिया है। तो गाइस आप ये बात याद रखना, जब आप आते हैं फिनलैंड में तो आप हमेशा एक इंटरनेशनल पोर्टेबल चार्जर अपने साथ कैरी करें। तो गाइस इस मॉल में मैं अभी ढूंढ रहा हूँ चार्जिंग की जगह, बट उसके पहले ये देखिए कितने ब्यूटीफुल क्लोथ्स हैं यहाँ पे। तो ये शर्ट्स हैं और इनकी फैब्रिक आप देखेंगे तो बहुत ही लाइक यू नो ये एक मोटे मोटे हैं, ताकि क्योंकि यहाँ का वेदर ऐसा होता है। ये जैकेट देखिए गाइस, और ये देखिए मैंने कौन पिक जैकेट लगा है, कितना ब्यूटीफुल जैकेट है। चलिए इसकी कीमत क्या है देखते हैं। हाँ सो गाइस इस जैकेट की कीमत है 129 यूरो, जो कि लगभग 10,000 रुपये आप पकड़ सकते हैं इंडियन रुपीज़। और यहाँ पे देखिए ये है 59 यूरो का, जो कि लगभग 5,000 रुपया। और इसका मटेरियल अगर मैं देखूँ, हाँ ये भी मोटा है, काफ़ी अच्छा है गाइस। ये देखिए शोरूम में, मेंस कलेक्शन का शोरूम में, कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे है जैकेट्स कुछ। चलिए ये सब मैं आपको दिखाते रहूँगा, ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाते रहूँगा, बट फिलहाल मुझे चार्जिंग स्लॉट ढूंढना है, पहले वो फ़ोन चार्ज करके फिर शूट करेंगे। फाइनली ये चार्जिंग स्लॉट मिल गया है, बट बहुत लूज़ है, चार्ज भी नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं अगर चार्ज होता है तो। गाइस इस मॉल में फ़ोन चार्ज थोड़ा मैंने कर लिया। आप देखिए एक सेक्शन आपको दिखा दो, कितना ब्यूटीफुल है ये। तो इन्होंने यहाँ पे एक सिमुलेशन बनाया है, जैसे कि हम जाते हैं एक्चुअली आइसलैंड में और वहाँ बर्फ़ पड़ती, स्नो पड़ती। तो यहाँ ने मॉल के अंदर यहाँ पे इन्होंने ऐसा बनाया है, जहाँ पे आप जाके अपने वहाँ पे बीच में, जब आप वहाँ खड़े हो जाएंगे जैसे वो इंसान खड़ा है, वहाँ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। और बैकग्राउंड में पोलर बेयर, भालू की आवाज़ आ रही है। ये देखिए गाइस ऐसे पिक्चर्स आप क्लिक करवा सकते हैं। तो मोस्टली बच्चे यहाँ बहुत आते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल ने डिज़ाइन किया है। गाइस फाइनली मुझे ना चाहते हुए भी एक कनेक्टर लेना पड़ रहा है, क्योंकि गाइस मैं ना वीडियो शूट कर पाऊँगा, सभी कैमरा की बैटरी, फ़ोन की बैटरी जा रही है धीरे धीरे। तो गाइस मैंने ये अभी ख़रीदा है, ये है USB चार्जर, और इसकी जो कीमत पड़ी है वो है लगभग, मैंने तो 10 यूरो पे किया है, इस पर कुछ प्राइस मेंशन है नहीं। और ये ऐसा कुछ कनेक्टर है, ऐसा कुछ कनेक्टर है गाइस। तो आप ये गलती मत करना, अगर आपको बजट ट्रैवलिंग करनी है तो ऐसी गलती आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। 10 यूरो इसके लिए मैंने पे किया है। तो चलिए अब जाते हैं, देखते हैं कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल मॉल है, ये ऊपर का नज़ारा है। अभी इस वक्त मैं हूँ 4th फ्लोर पर, यहाँ से एलिवेटर नीचे जाते हैं। तो चलिए ढूंढते हैं कुछ अच्छी जगह जहाँ हम बैठ के खा सकते हैं, फिर मैं आपको और इन्फॉर्मेशन। गाइस फाइनली एक रेस्टोरेंट में आया हूँ, चलिए कंपेयर करते हैं प्राइसेस कितने हैं। तो यहाँ कुछ सबसे पहले हैं ड्रिंक्स, कोकोकोला यहाँ पे 350, ये है जिंजर ड्रिंक 4.40 यूरो, जो कि लगभग 350 रुपीज़ का है। वाटर, मल्टी टॉनिक वाटर 3.5 यूरो। यहाँ है बबल वाटर 4 यूरो, बबल टी। और यहाँ कुछ खाने के ऑप्शंस हैं, काफ़ी महंगे हैं। यहाँ बर्गर्स है, टॉर्टिला, सम कुछ डेजर्ट्स हैं। जो डेजर्ट आप देख रहे हैं ये है 6.90 यूरो। काफ़ी अच्छा मॉल है इस रेस्टोरेंट का, बट बहुत चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हैं। यह है प्राइस लिस्ट यहाँ पे, यह है मेन्यू यहाँ का। तो बियर, साइडर्स, कॉफ़ी, टी, आइस लाटे। चलिए किसी और रेस्टोरेंट में जाते हैं, बिकॉज मैंने आपको कहा मैं एक बजट ट्रैवलर हूँ, तो मुझे
बजट में रहना पड़ेगा। 10 यूरो 15 यूरो पानी के लिए सिर्फ 5 यूरो जो कि लगभग होता है 400 इंडियन रुपीस। तो चलिए मैं दूसरा ढूंढता हूँ। नाइस ऑप्शंस में ढूंढ रहा हूँ, कुछ सस्ता ऑप्शन मिल जाए क्योंकि पूरा सिटी टूर करना है तो कुछ खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आई थिंक सबवे बेस्ट ऑप्शन होगा, बट यहाँ बहुत भीड़ लगी हुई है, देखते हैं सबवे में क्या मिलता है। गाइस यहाँ पे ये मेन्यू है सबवे का, मैं थोड़ा जूम कर दूँ आपको दिख जाएगा। तो ये देखिए गाइस 15 सेंटीमीटर अगर आप लेंगे तो 640 यूरो, और यहाँ अगर आप और 30 सेंटीमीटर 1060 640 690, तो लगभग कुछ भी आप यहाँ से अगर लेंगे ऑलमोस्ट आपको ये कुछ ड्रिंक्स हैं 270 कोल्ड ड्रिंक्स 270 120, ये कुकीज़ है। गाइस फाइनली 2 घंटे के रिसर्च के बाद यहाँ हैश बर्गर में मैंने ये बर्गर लिया है। अब इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो है 8 यूरो 30 सेंट्स, यानी ये लगभग इंडियन रुपीस में 700 के करीब होती है। तो देखिए यही प्रॉब्लम है यूरोपियन कंट्रीज़ में, सभी चीज़ एक्सपेंसिव है, ऑप्शंस खाने के बहुत कम है, खासकर अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ऑप्शंस और भी कम हो जाते हैं। चलिए एक कोक है, बर्गर लिया है, इसीलिए 2 बर्गर 1 कोक के लिए आधा घंटा इन्होंने मुझे वेट करवा दिया। और ये देखिए छोटा सा एक बर्गर मिला है, इससे अच्छा तो अपने इंडिया में मैकडॉनल्ड्स देता है। ये देखिए एक छोटा सा बर्गर है, 2 बर्गर लिया था मैंने, कोक मैंने बताया आपको 8 यूरो 30 सेंट्स, क्या कहा जाए। चलिए कोई बात नहीं, खा लेते हैं फिर सिटी टूर करके। तो गाइस फाइनली मॉल का टूर मैंने आपको दे दिया है और वहाँ पे मैंने खा लिया है। अब चलते हैं सिटी सेंटर, सेनेट सेंटर एक बहुत ही फेमस प्लेस है हेलसिंकी में, वहीं पे ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अब गाइस मैं आपको बता दूँ, मुझे यहाँ एक मैप मिला था अपने हॉस्टल से फ्री में, तो इस मैप के थ्रू आप सिटी नेविगेशन कर सकते हैं। इस मैप में काफ़ी इंफॉर्मेशन है, तो जब आप अगर चीप स्लीप हॉस्टल में आए तो आप इस मैप को वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए ये है ट्राम स्टेशन, मैं आपको दिखा दूँ, यहीं से मुझे 2 नंबर ट्राम पकड़नी है जो मुझे सेनेट स्क्वायर छोड़ेगी। तो ये है ट्राम स्टेशन, आप देख सकते हैं 2 नंबर ट्राम। तो चलिए ट्राम पकड़ते हैं फिर मैं वहाँ पहुँचता हूँ। तो गाइस यहाँ के जो लोकल है मैं उनसे हेल्प मांग रहा हूँ पता करने के लिए, क्योंकि अभी ट्रैम्प आई नहीं है 2 नंबर ट्रैम्प, तो मैं उनके फ़ोन में देखा और मेरे इंटरनेट नहीं जैसा मैंने आपको बताया। तो सेनेट स्क्वायर यहाँ मुझे जाना है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है और यहाँ आप देख सकते हैं स्टैचू ऑफ अलेक्जेंडर टू कैंटरबरी, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ जाके मैं आपको बताऊँगा। गाइस यहाँ बहुत ठंडी पड़ गई है, मैं अभी इनको जाने देता हूँ, चलिए वहाँ बात। तो गाइस फाइनली 2 नंबर के ट्रैम में मैं बैठ चुका हूँ, अब हम पहुँचेंगे सन स्क्वायर। तो ये देखिए नज़ारे यहाँ के फिनलैंड के, अभी वक्त हुआ है 3:05 दोपहर के, ट्रैम की विंडो से ये नज़ारा दिख रहा है। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं सेनेट स्क्वायर, देखिए मेरे हाथ में मैप था, मैंने पूछा इसमें सब गाइडेंस है। तो गाइस मैं आपको पहले इस मैप के बारे में बता दूं, तो जब आप ये मैप लेते हैं जैसा मैंने आपको कहा ये है मेरी ट्रैम की टिकट और ये है मैप। तो इस मैप में गाइस आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन है, देखिए यहाँ पे एयरपोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, हेलसिंकी टूरिस्ट इंफॉर्मेशन, तो आप इस वेबसाइट पर जाके पूरी टूरिस्टिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आप टूरिस्ट बन के हेलसिंकी आते हैं। हेलसिंकी सेंट्रल रेलवे स्टेशन की भी इन्फॉर्मेशन और मैप कैसे पढ़ना है, ब्लैक डॉट ब्लू डॉट और रेड डॉट। रेड डॉट का मतलब जहाँ जहाँ मैप पे रेड डॉट आपको दिखेगा इसका मतलब है कि आप हॉप ऑन हॉप ऑफ बस ले सकते हैं। ब्लैक डॉट मतलब हेलसिंकी सिटी मैप है और ब्लू डॉट मतलब हेलसिंकी लार्जर मैप, एक बड़ा मैप है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं पहुँच चुका हूँ सेनेट स्क्वायर। तो ये देखिए ये है सेनेट स्क्वायर, मेन अट्रैक्शन इस सिटी का। ये देखिए गाइस बहुत ब्यूटीफुल चर्चेस है, यहाँ समय हुआ है अभी लगभग 4 बजे है, लेकिन ऐसा लग रहा है रात के 8 बज गए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया नॉर्डिक कंट्री है तो यहाँ टेम्परेचर हमेशा गिरते रहता है और सर्दियों में मोस्टली यहाँ अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। तो चलिए मैं आपको कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूँ। तो वो जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है येलो वाली, तो वो बनाया गया था
रशियन एम्पायर के टाइम पे। जब मैं कहता हूँ गाइस रशियन एम्पायर, उसका मतलब ये नहीं है कि यूएसएसआर के ज़माने में, जी नहीं, उसके पहले रशियन एम्पायर जो हुआ करता था उसके जो किंग थे, किंग ज़ार उनका नाम था, तो उन्होंने ये बिल्डिंग्स बनवाई थी। तब रशिया बहुत बड़ा था और ये सभी जो भी लोकेशन आज आप देखते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में डिवाइड है, वो सब उनके अंडर में था। तो इसलिए अगर आप देखेंगे ध्यान से, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये देखिए ये बिल्डिंग और ये स्टैचू, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मॉस्को में अगर आप जाएंगे सेंट पीटर्सबर्ग, तो सेम टू सेम आपको ऐसी बिल्डिंग्स ऐसे स्टैचूस आपको देखने मिलेंगे। तो गाइस ये बहुत पुरानी स्टैचू है, ये है सेनेट स्क्वायर, इस जगह का नाम है। यहाँ से जब हम चल के थोड़ी दूर जाएंगे लाइक 700 से 800 मीटर तो सिटी सेंटर आता है, तो हम सिटी सेंटर भी जाएंगे। लेकिन मैंने सोचा पहले आपको ये दिखा दूँ। ये देखिए गाइस ये कैथेड्रल है, ये बहुत जूना, आई थिंक ये 12th सेंचुरी में बनाया गया था। और यहाँ शाम के वक्त ऐसे लोग यहाँ पे आते हैं, ऐसे ही अपनी टाइम अपना टाइम यहाँ बिताते हैं, एंजॉय करते हैं। काफ़ी सारे टूरिस्ट मुझे वहाँ दिख रहे हैं। तो चलिए गाइस इसे तो हमने एक्सप्लोर कर दिया। इस साइड में देखिए आप कैसी लाइटिंग है, शाम का वक्त है, येलो कलर्स की बिल्डिंग पे येलो लाइट्स, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है गाइस। पॉपुलेशन बहुत कम है, तो गाइस तो एक बात आप लोगों से मुझे ये तो गाइस एक बात ये शेयर करना था आप लोगों से मुझे ये तो गाइस एक बात मुझे आप लोगों से शेयर करना था कि फिनलैंड में जो पर स्क्वायर किलोमीटर जो डेंसिटी है, पर स्क्वायर मीटर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, वो सिर्फ 18 है। यानी कि एक स्क्वायर मीटर में आपको सिर्फ 18 लोग यहाँ दिख सकते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं गाइस ये बहुत खाली है, बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं दूँ तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए सिटी सेंटर की ओर थोड़ा जाएंगे, वो भी एक्सप्लोर कर देंगे, और उसके पहले ये जगह मैंने आपको दिखा दिया। तो चलिए सिटी सेंटर चलते हैं, वहाँ की लाइटिंग बहुत अच्छी है। आई थिंक क्रिसमस के लिए अभी से इन्होंने प्रिपरेशंस चालू कर दी है, बहुत जल्द क्रिसमस आने वाला है। और नॉर्डिक कंट्रीज बहुत फेमस है, आइसलैंड बहुत फेमस है, इनफैक्ट फिनलैंड में एक जगह है लैपलैंड, वो भी मैं कुछ दिनों में जाऊँगा, तो वो भी मैं कुछ दिनों में जाने वाला हूँ, तो वो भी मैं कवर करूँगा। चलिए आपको एक थोड़ा नज़दीक का व्यू दिखा दूँ स्टैचू का, ये देखिए गाइस। जो लैंप आपको दिख रही गाइस ये बहुत जूनी लैंप है, उसी दशक में बनाई गई थी, बहुत खूबसूरत है गाइस। नीचे प्लांटेशंस हैं और यहाँ देखिए ये फ्रंट व्यू है। देखिए गाइस बैकग्राउंड में जो कलर आपको दिख रहा है येलो बिल्डिंग्स, येलो कलर्स प्लस इस स्टैचू के एग्जैक्ट पीछे, कितना अच्छा कॉन्ट्राडिक्शन, कितना अच्छा कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे को। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अब तक मज़ा आता होगा इस व्लॉग में। तो चलिए गाइस मैंने आपको सेनेट स्क्वायर दिखा दिया है, जैसे मैंने आपको कहा था, हालांकि थोड़ा लेट हो गया यहाँ पहुँचने में, काफ़ी सारी चीज़ों में आज प्रॉब्लम हुई है, जैसे कि मॉल में मैंने आपको कहा कि मेरे पास कनेक्टर नहीं था, तो मैंने कनेक्टर खरीदा, फिर फ़ोन लैपटॉप्स बैटरी सब चार्ज करने होते थे वो मैंने किया, फिर खाने के लिए बहुत दिक्कत हो गई, बहुत जगह मुझे ढूंढना पड़ा क्योंकि ऑप्शन बहुत कम थे वेजिटेरियंस के लिए। फ़िलहाल फाइनली बट मैं यहाँ पहुँच गया, मैंने आपको सेनेट स्क्वायर दिखा दिया, अब चलिए।